वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कितनी केमिकल रिएक्शंस में कंप्लीट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, ट्रीज या ऑल द ग्रीन प्लांट शो करते हैं प्रोसेस को, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एग्जैक्टली किसी प्लांट्स में कहां पर होता है, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो भी साइंटिस्ट ने कॉन्क्लूजन्स दिए हैं, वो सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड पे मैंने एक प्लांट बना रखा है। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट जो सॉइल के ऊपर होता है, सेकेंड जो सॉइल के नीचे होता है। सॉइल के नीचे प्रेजेंट होती है रूट्स, रूट सिस्टम, और सॉइल के जो ऊपर प्रेजेंट होता है वो होता है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के अंदर किसी भी प्लांट या ट्रीज में क्या होता है, एक स्टेम होती है, ब्रांच होती है, उसमें लीव्स होती हैं और फ्लावर्स होते हैं। तो ये हो गया एक प्लांट। देन अब ये प्लांट प्रेजेंट है सनलाइट में, ये हो गया हमारा सन। सन से हमें क्या मिलेगी, लाइट मिल रही है, इसको हम बोलते हैं सनलाइट। अब प्लांट क्या करेगा, ये लाइट का यूज करके फूड प्रिपेयर करेगा। कैसे, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट यूज करेगा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को। जो रूट सिस्टम में रूट्स प्रेजेंट है प्लांट्स की, वो क्या करेगा, वॉटर को एब्जॉर्ब करेगा। वॉटर मिल गया प्लांट से, प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, और वो क्या प्रिपेयर करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। और फूड प्रिपेयर करने के साथ में ये मेन प्रोडक्ट होगा इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का, और दूसरा बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ऑक्सीजन, जो हम यूज करेंगे, यानी कि वी ह्यूमंस एनिमल्स। और जो फूड प्रिपेयर होगा प्लांट का, वो पूरा फूड खुद प्लांट यूज करेगा। अब बात करते हैं जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया है, ये फूड का टाइप क्या होता है। हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स के। तो यहाँ पे जो प्लांट है, वो जो फूड प्रिपेयर करेगा, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को एक और वर्ड क्या बोलते हैं, शुगर्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है, वो एक प्रिपेयर करता है पॉलीसैकेराइड को। अब पॉलीसैकेराइड है तो वो एक पॉलीमर है, पॉलीमर है तो वो छोटी छोटी बेसिक मोनोमेरिक यूनिट से बना होगा। तो ये पॉलीसैकेराइड का नाम है स्टार्च। तो फूड जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो एक पॉलीसैकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट शुगर है। अब जो स्टार्च है ये किस चीज का बना होता है, स्टार्च बना होता है अमाइलोज का एंड अमाइलोपेक्टिन का। ये दो सब यूनिट्स होती हैं, ये दो सब यूनिट्स की क्रॉस लिंकिंग होती है और स्टार्च फॉर्म होता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को याद नहीं करना है, हमें याद करना है ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं, ये बनी होती है ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, फूड जो क्या बना है, ग्लूकोज एक प्लांट बना रहा है, और ये ग्लूकोज प्लांट खुद यूज करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो हम यूज करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च एंड ऑक्सीजन। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट होती है क्या, रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स मीन्स होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों।
तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है. फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. इट मींस फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है. अब बात करते हैं कि जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा. तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन मॉलिक्यूल है, या कहें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. तो हो गया फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल का. कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होने के बाद में क्या प्रिपेयर करेगी? फूड ग्लूकोज. और वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या प्रिपेयर करेंगे? ऑक्सीजन. अब आप सोचोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्यों प्रिपेयर नहीं करेगी? फूड जो ग्लूकोज है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कार्बन कहाँ से मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल के पास. क्या कार्बन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है. कार्बन प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के पास में. तो जो कार्बन ग्लूकोज में प्रेजेंट है वो कार्बन कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फोटोसिंथेसिस जो केमिकल रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एनाबॉलिक इन नेचर. एनाबॉलिक, एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एक होती है कैटाबॉलिक, एक होती है एनाबॉलिक. एनाबॉलिक का मतलब होता है जब कुछ चीज प्रिपेयर होती है, सिंथेसाइज होती है, ब्रेक नहीं होती है. तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है. किसका प्रोडक्शन हो रहा है, किसका सिंथेसिस हो रहा है? फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है. इसलिए फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस. नेक्स्ट है एंडोगोनिक रिएक्शन. जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोगोनिक रिएक्शन. एंडोगोनिक मतलब एक होती है एक्सोगोनिक, एक होती है एंडोगोनिक. एंडोगोनिक मीन्स ये एनर्जी कंज्यूमिंग है. फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक प्लांट को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. तो इसलिए ये एंडोगोनिक रिएक्शन है. अगर कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोगोनिक रिएक्शन होता है. अ फोर्थ पॉइंट है फोटोसिंथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक का, दैट इज लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना. फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. यहाँ पे कौन सा केमिकल फॉर्म हो रहा है? ऑक्सीजन? नहीं, यहाँ पे जो केमिकल फॉर्म हो रहा है दैट इज ग्लूकोज. जो फूड है वो केमिकल है. फिफ्थ पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक. इट मीन्स फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो लाइट की प्रेजेंस में कैसे सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं? ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन कंटेनिंग. ऑर्गेनिक मतलब जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता वो इनऑर्गेनिक होता है. तो फोटोसिंथेसिस के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ग्लूकोज. तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस एंडोगोनिक रिएक्शन है. फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज ग्लूकोज. अब एक और पॉइंट आता है, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है प्लांट, वो क्या कर रहा है? इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से वो ग्लूकोज बना रहा है. फाइन, तो कार्बन डाइऑक्साइड से उसने क्या लिया? कार्बन को लिया. इट मीन्स ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को फिक्स कर लेता है. क्या कर लेता है? फिक्स कर लेता है. और फिक्स करने के बाद में वो एक मॉलिक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है, और ये मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, C6H12O6. तो ये जो कार्बन सिक्स मॉलिक्यूल्स आए हैं ग्लूकोज के, वो ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड से आए हैं. इट मीन्स जो एक प्लांट है उसके पास ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को फिक्स करने की, और तभी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर पाता है. तो हम वी ह्यूमंस या एनिमल्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं?
नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी कार्बन कंपाउंड से कार्बन को फिक्स करने की। और इसी बेसिस पे, कार्बन की फिक्सेशन के बेसिस पे अगेन टू टाइप्स में हमने पढ़े हैं, क्या? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे लिविंग सब्सटेंसेस जो कार्बन को फिक्स कर लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और वो होते हैं प्लांट्स। और जो ऑर्गेनिजम्स या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कार्बन को फिक्स नहीं कर पाते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी लाइफ पे या अपने को सर्वाइव करने के लिए, उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। उनके एग्जाम्पल्स होते हैं वी ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फंगल। तो यहाँ का पार्ट खत्म हो गया फोटोसिंथेसिस का, कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, रॉ मटेरियल क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये जो जितना हमने पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट, वाटर सेकेंड, थर्ड लाइट, फोर्थ फूड दैट इज ग्लूकोज एंड फिफ्थ ऑक्सीजन। क्या ये पांचों चीजें बहुत इजीली आ गई क्या? नहीं, बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में ही फूड बनाएगा प्लांट, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने करे हैं ये इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।